हेलो गाइस, वेलकम बैक टू। आज वीडियो करने वाले पोकेमोन मिराज ऑफ द टेल्स को। और इस गेम के लास्ट वीडियो में हमने इंटरव्यू दिया था एक रेंजर बनने के लिए, और हमें इंटरव्यू में एक टास्क मिला था। बेसिकली हमें उस टास्क में एक फ्लूट को लेकर आना था, और वो फ्लूट किस तरीके की है वो तो आपको पिछली वीडियो में पता चलेगा। बेसिकली अगर आप सभी ने लास्ट वीडियो देखी होगी तो आप सभी को पता ही होगा वो फ्लूट किस तरीके की थी, और वो फ्लूट हम ले भी आए थे बेसिकली। और हमने अपना टास्क जो वो कंप्लीट कर दिया था, और आज हमें जाना है रेंजर यूनियन के एक हेडक्वार्टर्स बेसिकली हम कह सकते हैं उसे, और वो पता नहीं कहाँ पर था। उसने मुझे बताया भी नहीं। रोज़ ने रोज़ हमारा एक मतलब इंस्ट्रक्टर ही समझो, वैसे वो इंस्ट्रक्टर ही है बेसिकली हमारा, या फिर वो हमारा इंटरव्यू ले रहा था। ओके, हमें जैसे ढूंढना पड़ेगा किस जगह जाना है हमें यहाँ पर। ओके, यहाँ पर रेडवुड ग्रोव्स है यहाँ पर, तो एवलार पोकेमोन रिसर्च लैब। ओके, लैब है यहाँ पर। ओके, डोर लॉक पड़ा हुआ है बेसिकली, हम यहाँ पर जा नहीं सकते क्योंकि अभी हम एक साइंटिस्ट नहीं है, हम एक रेंजर है यहाँ पर। सो हमें यहाँ पर उस अकेडमी को ढूंढना पड़ेगा रेंजर्स की, जहाँ पर हमें मतलब हमारा यूनिफॉर्म मिलने वाली है बेसिकली। ओके, क्या है यहाँ पर? ओके, पोर्ट पियो बेरी। ओके, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक। ओके, दो बेरीज मिले मुझे यहाँ पर, चलो ठीक है। यहाँ पर मैं और भी बेरीज ले लेता हूँ ज़रा। यल्किन बेरी। ओके, यल्किन बेरीज भी हैं यहाँ पर, वैसे सारी तो ले ही लेता मैं। पैलिड बेरी। ओके, पैलिड बेरी, तो यहाँ पर मुझे सभी बेरीज ले लेने चाहिए या फिर चलो ठीक है यहाँ पर हम कुछ ही लेते हैं। वैसे मुझे पता नहीं है बेरीज क्या करती हैं। ओके, यहाँ पर ये फ्लावर्स भी हैं वैसे, इन्हें हम ले सकते हैं क्या? ओके, नहीं 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 ले सकते हम। और लास्ट एपिसोड में मैंने यहाँ पर अपने एक पोकेमोन भी कैप्चर किया था बेसिकली। मैं यहाँ पर हमारे पास दो पोकेमोन है भी, निडरैन और स्पोइंक, और मैंने की ट्रेनिंग तो नहीं कराई बेसिकली अभी यहाँ पर, बाद में देख लेंगे हम ट्रेनिंग को। और यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर एक घर भी है। ये घर है किसका वैसे? बेटरम, बेटरम हाउस। ओके, बेटरम कौन है वैसे? वो क्या है? नहीं, यहाँ पर है नहीं वो इस वक्त। ऊपर हो क्या पता, देखते हैं एक बार, हो सकता है ऊपर हो या कोई। यहाँ पर भी नहीं है वो, चलो बाहर निकलते हैं अभी यहाँ से। बेसिकली यहाँ पर कोई काम नहीं है अभी हमारा। सो इस तरफ तो वो एकेडमी नहीं थी रेंजर्स की, तो यहाँ पर हम इस तरफ देखते हैं अभी। ओके, यहाँ पर तो लैब है वैसे, तो हम यहाँ पर लगता है ऊपर साइड चलना चाहिए मुझे। यहाँ से एक रास्ता जा रहा है यहाँ से ऊपर। ओके, यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, यू वॉन्ट टू कम इन? सॉरी पाल, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग न्यू क्लब मेम्बर्स राइट नाउ। ओके, न्यू क्लब मेम्बर। क्लब कैसा है वैसे ये? कॉन्टेस्ट क्लब। ओके, कॉन्टेस्ट क्लब है ये। और यहाँ पर ये क्या, एक गार्ड है यहाँ पर, गार्ड नील। ओके, आई एम गार्डिंग इल्स एलीज हाउस, आई फील सॉरी फॉर हिम एट टाइम्स, ऑल दैट फेम एंड फॉर्चून श्योर कम्स एट अ प्राइस। ओके, एलिस का, एलिस जो भी है इसका नाम एली, उसका घर है ये। ओके, ये क्या है यहाँ पर? हाइव टावर। ओके, हाइव टावर, इसे देखते हैं एक बार। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू हाइव टावर, वुड यू लाइक टू एंटर? देखते चलो यहाँ पर क्या मतलब क्या करने वाले हैं यहाँ पर। वी ओनली अलो सिंगल एंट्रीज हेयर, प्लीज चूज वन पोकेमोन। ओके, यहाँ पर एक ही पोकेमोन चूज़ करता हूँ मैं, न्यूट्रन को चूज़ करता हूँ यहाँ पर मैं। ओके, उसने गेट खोल दिया वहाँ का, देखते हैं हम यहाँ पर क्या चल रहा है वैसे। ओके, गेट उसे बंद भी कर दिया। अरे यार, मुझे बाहर जाना था, ये क्या मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है ये? ओके, यहाँ पर चल क्या रहा है वैसे? यहाँ पर कुछ ट्रेनर्स दिख रहे हैं मुझे। ओके, ये बैटल करेंगे। यू आर फर्स्ट टाइमर, आर नॉट यू? हाँ बिल्कुल, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पर। वो लगता है यहाँ पर सभी लोग बैटल्स कर रहे हैं यार, मैं यहाँ पर फालतू में आ गया। ओके, 10 लेवल का पैरिस इसके पास। पीक अटैक करते हैं यहाँ पर हम। ओके, एचपी तो मैं काफ़ी ले गया उसकी वैसे। यहाँ पर स्पोर अटैक कर रहा है वो। ओके, सुला दिया उसने। मेरे पास कुछ आइटम है क्या? मेरे पास अवेकनिंग पड़ा हुआ था। ओके, ये रहा, एक ही पड़ा हुआ है अवेकनिंग भी। अगर उसे दोबारा सुलाया तो दिक्कत हो जाएगी हमें। वैसे यार, यहाँ पर मैं बैटल कर क्यों रहा हूँ यार? मुझे तो यहाँ पर रेंजर्स की अकेडमी ढूंढनी थी। ओके, लेवल अप हो गया, चलो यहाँ पर। ओके, इसका अटैक बढ़ा देता हूँ यहाँ पर मैं। यू विल फाइंड दैट वी वॉन्ट ऑल बी सो स्ट्रेट फॉरवर्ड टू डिफीट। ओके, सिंपल था वैसे हराना तो इसे। मेरे पोकेमोन थोड़ा यहाँ पर एडवांटेज में था इसलिए। ओके, यहाँ पर एक और ट्रेनर है। बग पोकेमोन डोंट ओनली लिव इन द फॉरेस्ट यू नो। हाँ बिल्कुल, वो रोड पर भी घूमते रहते हैं यहाँ पर। ओके, देखते हैं यहाँ पर इसके पास कितने पोकेमोन होंगे। ओके, एक ही पोकेमोन इसके पास। ओके, विम्पोर्न, ये बग टाइप है या फिर बग ही कह रहा था वैसे वो तो। मैं बग यहाँ पर अटैक करता हूँ, पिक अटैक। ओके, बग टाइप ही है शायद वो। वैसे ये पोकेमोन मैंने पहली बार देखा है यहाँ पर। स्ट्रगल बग। ओके, स्ट्रगल कर रहा है वो। क्रिटिकल हिट, मुझे तो नहीं लगा वो क्रिटिकल था। ओके, यहाँ पर फेंट हुआ ये, चलो काफ़ी बढ़िया। यहाँ पर हमने एक और बैटल जीत लिया अपना। और यहाँ पर बैटल्स और भी हैं क्या? हाँ, मुझे सामने साइड एक रास्ता दिख रहा है जाने का। आई बेट यू आर स्टार्टिंग टू रियलाइज बग पोकेमोन आर नॉट वीक आफ्टर ऑल। मेरे यहाँ पर पोकेमोन फेंट तो नहीं हो रहे? ओके, यहाँ पर उसकी हेल्थ थोड़ी कम है मतलब। और यहाँ पर मैं एक ही पोकेमोन यूज़ कर सकता हूँ यार, ये थोड़ी काफ़ी तो प्रॉब्लम वाली बात है। मैं यहाँ पर पोशन मैं यहाँ पर यूज़ करूँ या ना करूँ? ओके, अभी तो रहने देते हैं, मेरे पास एक ही पोकेमोन है बेसिकली। ओके, इस तरफ क्या है वैसे? यहाँ पर एक ट्रेनर हो रहा है, यहाँ पर मुझे बैटल्स ही करने लगता है। चलो बैटल इन सभी से कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर करना क्या मतलब यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है इन सभी से बैटल करके। एक बग टाइप पोकेमोन हो रहा है यहाँ पर, मुझे लगता है यहाँ पर सभी बग टाइप पोकेमोन यूज़ करते हैं बेसिकली।
और यार यहाँ पर मुझे अपने स्पोइंग को लाना चाहिए था, या फिर नहीं यार उसकी ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी यहाँ पर, बस न्यूडोरेन की यहाँ पर ट्रेनिंग होगी। अब तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा दे रहा है वैसे ही। ओके इसका डिफेंस बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा मैं। चलो यहाँ पर एक और बैटल कम्प्लीट हुआ यहाँ पर, वैसे सिंपल ही है बैटल। सो नेक्स्ट टाइम यू सी मी वाई माई वर्मपल विल हैव इवॉल्व टू इट्स फाइनल फॉर्म। ओके बटरफ्ली बनाएगा इसे या फिर डस्टोक्स। ओके यहाँ पर कितने बैटल्स हैं यार। ओहो यार और बैटल्स होने वाले अब तो हमारे, फालतू में यहाँ पर आ गया, मुझे पता भी नहीं था इस जगह के बारे में। ओके यहाँ पर एक पोकेमोन इसके पास डस्टोक्स। ओके तो इसका मतलब ये जो वैसे इनके पोकेमोन के जो लेवल है वो काफ़ी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं, और ये मेरे पोकेमोन की एचपी कितनी चली गई यार। मुझे यहाँ पर थोड़ा हील करना पड़ेगा इसे पहले तो पोशन से। ओके गश्ट कर रहा है वो लिटरली, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वैसे। मैं यहाँ पर प्लेयर अटैक करता हूँ, उसके डिफेंस कमज़ोर करते हैं थोड़ा सा। कंफ्यूजन ओके, फिर से 4 HP और मेरे पास तो कुछ अटैक। ओके चलो गया हम तो, चलो सही है यार यहाँ से मैं बाहर निकल जाऊँगा। एटलीस्ट यू मेड इट दिस फार। ओके फाइनली मैं उसे बाहर आ चुका हूँ, और मेरे पगमों से यहाँ पर हील आ गए, एक बार चेक करता हूँ मैं। चलो हील नहीं है पहले से ही। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, मुझे यहाँ पर जाना नहीं था वैसे, मेरा टाइम वेस्ट हो गया फालतू में। ओरेकल वुड्स, ओके ओरेकल वुड्स है यहाँ पर। ओके यहाँ पर बैटल्स और हो सकते हैं हमारे यहाँ पर, मैं थोड़ा बचता हूँ इससे पहले तो। ओके चलो मैंने उसे हटा, मतलब मैं उसे डोज कर दिया यहाँ पर। वम्पल है यहाँ पर एक, और बाकी यहाँ पर ओके ये कौन है, क्यूटी फ्लाई। ओके यहाँ पर ये एली है इसका नाम। ओके ये उसकी मतलब इसका घर था ये वहाँ पीछे की साइड, और सामने शायद एक स्टैंकलर है। और यू डोज डेट अगेन, आई स्टिल हैव वन बॉल लेफ्ट। एली स्टॉप। ओके यहाँ पर कोई आया, इसका नाम क्या था वैसे। ओके इज लाइन। ओके हाउ मैनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू यू कैंट कैप्चर दिस स्टैंकलर, इट्स अंडर प्रोटेक्शन, यू नो डैट, प्लीज लीव इट अगेन अलोन। ओके हु डू यू थिंक यू आर नाउ, यू आर अ जिम लीडर, यू थिंक यू कैन स्टेप अप टू मी, यू हैव नो अथॉरिटी हेयर, ऑल अथॉरिटी। ओके यहाँ पर कोई और आया है, जैस्पर इसका नाम। ओके जैस्पर तो मेरा मतलब कमांडर है यहाँ का, मतलब रेंजर्स का। ऑल अथॉरिटी इन दिस वुड्स बिलोंग्स टू मी। ओके लगता है ये रोकने वाला है इसे। यू हैव बीन आस्क्ड टू लीव दिस स्टैंटलर बी रिपीटेडली बाय एंड पोलाइटली, शुड यू कंटिन्यू टू इग्नोर दिस आई विल हैव टू रिमूव यू बाय फोर्स। ओके स्टैंटलर चला गया यहाँ से, और यू आर यू स्केयर्ड इट ऑफ। हाँ डू यू रियली थिंक आई एम स्केयर्ड ऑफ बैटलिंग यू जैस्पर, वॉट एवर आई एम गोइंग आई गेट यू गेट योर प्रीसियस स्टैंडलर वन डे, यू एंड आई बोथ नो आई एम द ओनली वन इन एवलर वर्थी ऑफ सच ए पोकेमोन। ओके भाग गया इसे। यू टुक योर टाइम, स्टिल बेटर लेट देन नेवर, थैंक्स फॉर कमिंग टू रेस्क्यू मी, फॉर अ सेकेंड देयर आई वॉज वरीड आई'd have to better him. I would not have stood a chance. Okay, maybe that means I'm not good enough to be a gym leader. Okay, gym leader hai as line iska naam jo bhi hai. Now, that is nonsense. You are more than capable. Ellie would have had me to answer to had he challenged you. Okay, I doubt he will return. नाउ सेल वी गो बैक टू द यूनियन। हाँ बिल्कुल चलते हैं वहीं पर। वैसे मुझे यहाँ पर इसी से मिलना है जैस्पर से। आई एम एक्सपेक्टिंग अ न्यू रिक्रूट फ्रॉम द अकेडमी, जॉइन मी टू मीट देम। ओके साय आई कैंट आई हैव गोट टू गो गेट बैक टू द जिम, आई सी यू सून। ओके वेरी वेल अंटिल देन। ओके चलो यहाँ से ये तो जा चुका है उस तरफ, और मुझे भी लगता है उसी तरफ जाना है उसके जैस्पर के पीछे। चलो चलते हैं वहाँ पर। ओके इस तरफ तो नहीं जाना मुझे यहाँ पर, इस तरफ चलते हैं अभी हम। ओके एक और बैटल यहाँ पर हो सकता है हमारा, थोड़ा बच के चलूँगा मैं इससे। ओके ये उधर तो नहीं देख रही लगता है, बैटल करना ही पड़ेगा अब। ओके गाइस यहाँ पर मेरा बैटल कम्प्लीट हो चुका है, और यहाँ पर मेरा जो स्पोइंग है वो फेंट हो चुका है इस बैटल में, काफ़ी जरा बेचारा पिट गया है। चलो कोई बात नहीं, बाद में देख लूँगा मैं इसे, मतलब इसे बाद में मैं ट्रेनिंग करा दूँगा। द हिस्ट्री ऑफ दीज वुड्स इज वर्ल्ड फेमस, यू नो अ मिथिकल साइकिक पोकेमोन इज सेड टू वॉच ओवर द एरिया। ओके मिथिकल साइकिक पोकेमोन। ओके यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, जैस्पर कहाँ से गया फिर वो यार। वो लगता है यहाँ पर पेड़ को यहाँ पर हटा कर गया होगा, पता नहीं कैसे चला गया यहाँ से वो। लगता है मुझे इस तरफ जाना है अभी। ओके एक ट्रेनर हो रहे हैं यहाँ पर, मैं इससे बच के चलता हूँ ज़रा एक बार। ओके वो उधर देख रही है अभी तो, चलो बच गया मैं उससे तो, अभी मैं बैटल नहीं करूँगा वैसे उससे। और यहाँ पर एक ट्रेनर हो रहे हैं, इस तरफ देखते हैं एक बार हम यहाँ पर क्या है। ओके यहाँ पर कुछ तो है यहाँ पर, एवलर रीजन एवलर रेंजर यूनियन। ओके फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच गया, मुझे बेसिकली यहीं पर जाना था।
और कहते अगर अगर आप सभी यहाँ पर बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ रही है तो मैं वापस जाऊँगा यहाँ पर, पता नहीं क्या काम से चल रहा है इस तरफ। गीगा यू मेड इट, वेलकम टू द रेंजर यूनियन, यू मस्ट बी रियली एक्साइटेड टू मीट जेस्पर, डोंट बी नर्वस, ही इज़ सुपर फ्रेंडली एंड वेलकमिंग, फॉलो मी। ओके, जेस्पर सुपर फ्रेंडली है, देखते हैं ज़रा कितना फ्रेंडली है वो। ओके यार, हेलो गीगा, माई नेम इज़ जेस्पर, इट इज़ अ प्लेजर टू मीट यू, थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन एप्लीकेशन टू ज्वाइन द एवेलारियन पोकेमॉन रेंजर्स। As I am sure you already know, I am the head ranger. That means if you have any issues or worries, you can come to me. Okay, I appreciate your retrieving the seeker's flute. Okay, मैंने वो सीकर्स की फ्लूट इन्हें वापस दी थी, काफ़ी तक खुश है मुझसे मतलब। रोज़, could I please remind you, your hat looks very unprofessional. Okay, oh of course, sorry Jasper. Okay, इसकी हेड जरा सही नहीं थी। I have a lot of things to do, so I will have Rose here to train you, okay? I wish you the best of luck. So यहाँ पर मैं ट्रेनिंग होने वाली है बेसिकली यहाँ पर एक रेंजर बनने के लिए। सी आई टोल्ड यू दिस, देयर वॉज नो नीड टू बी नर्वस, जेस्पर इज द बेस्ट बॉस, ओके? वैन एवर यू आर रेडी टू स्टार्ट योर ट्रेनिंग, कम थ्रू टू द बैक, आई थिंक यू विल डू जस्ट फाइन, बाय फॉर नाउ। ओके, तो मुझे वहीं पर जाना है इसके पीछे पीछे अभी, तो बेसिकली मैं रेडी हूँ अभी तो ट्रेनिंग करने के लिए। ओके, यहाँ पर मैं ऊपर जाना है, नीचे चलना है? यहाँ पर तो एक रेंजर खड़ी हुई है। हाय, आई एम रेबेका, बट प्लीज़ जस्ट कॉल मी बैकी, ओके? यू मस्ट बी गीगा, गुड लक विद योर असेसमेंट, ओके? यू आर नॉट परमिटेड टू विजिट द अपर फ्लोर्स अंटिल यू ट्रेंड, ओके? तो मैं ऊपर नहीं जा सकता अभी, यहाँ पर चलना है अभी हमें। ओके, यहाँ पर रोज, वी हैव थ्री पोकेमॉन एफ्लेक्टेड बाई वेरियस स्टेटस कंडीशंस, ओके? What we need you to do is find and identify berries to cure each one. Berries grow in many places, so it should be easy enough for you. Okay, मुझे berries का यूज़ करना है यहाँ पर। This stentler is poison. Okay, इसे poison है और यहाँ पर लगता है ये सो रहा है। Okay, मेरे पास कुछ शायद मेरे पास berries थी, मैंने यहाँ पर देख ली थी berries. Okay, poisoning की तो है यहाँ पर ये, और paralysis की भी है। यहाँ poisoning की यूज़ करनी है मुझे शायद। ओके, वो क्योर हो चुका है, काफ़ी बढ़िया भाई, अच्छा हुआ मेरे पास यहाँ पर ये बेरीज मैंने ले ली थी। और यहाँ पर ये सो रहा है, तो यहाँ पर मेरे पास एक बेरी हो रहा है जो कि इसे उठा सकती है। ओके, यहाँ पर तीन बेरीज पड़ी हुई है मेरे पास, चलो ये भी उठ चुका है यहाँ पर। वो लास्ट वाला ये क्या कर रहा है इसे? ओके, पैरालाइज है ये, चलो काफ़ी बढ़िया, मेरे पास बेरीज हैं मतलब, वो जो भी यहाँ पर यूज़ होनी थी, चलो काफ़ी बढ़िया। सो बेसिकली यहाँ पर मेरा टास्क पूरा हो चुका है। हाय गीगा, हाउ आर यू गेटिंग ऑन? ओके, यू क्योर्ड ईच स्टेंटलर, दैट्स ग्रेट। स्किडो द माउंट पोकेमोन हैज़ ऑलवेज लिव्ड इन हार्मनी विद ह्यूमंस, When they evolve, they can be ridden, making them perfect partners. Okay, now you are one of us. You get your own. Okay, so यहाँ पर मुझे एक स्कीडो मिल चुका है, चलो काफ़ी बढ़िया भाई, ग्रास टाइप पोकेमॉन आ गया हमारी टीम में। टू मोर थिंग्स, ओके ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ मनी दी है, वन योर फर्स्ट पेमेंट, ओके मेरी पेमेंट है ये, नेक्स्ट योर यूनिफॉर्म, चलो फाइनल मुझे यहाँ पर मेरी यूनिफॉर्म मिल गई जिसका मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था, मतलब एक एपिसोड से वेट कर रहा था। हे गीगा, आर यू लुकिंग फॉर सम वर्क? स्पीक टू जेस्पर और द अदर रेंजर्स, देल हैव समथिंग फॉर यू टू डू। ओके, मेरे पास कुछ मतलब काम ढूंढना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। सो गाइस, फाइनली मैं यहाँ पर एक रेंजर बन चुका हूँ। ओके, वैसे मेरे पास एक पोकेमोन भी आया है नया वाला, देखता हूँ उसे यहाँ पर मैं। ओके, जरा मेरे यहाँ पर ट्रेनर कार्ड और यहाँ पर मैं एक रेंजर बन चुका हूँ, और यहाँ पर मेरे पास तीन पोकेमोन से भी बेसिकली। और ये स्किडो जो है इसका लेवल कितना है एक बार चेक करता हूँ मैं। ओके, मेरे पोकेमोन से यहाँ पर फेंट पड़ा हुआ है एक, तो ग्रास टाइप पोकेमोन है एक, इसकी एबिलिटी है स्वैप जीपर। ओके, और मोटल बेरी इसने होल्ड की हुई है, और टैकल और ग्रोथ इसका अटैक है। ओके, सो अभी यहाँ पर मैं जरा ऊपर चलता हूँ, एक बार देखते हैं। वैसे मुझे अपने पोकेमोन से हिल भी रहना है, अभी बाद में मैं वहाँ पर जाऊँगा। ओके, यहाँ पर क्या है वैसे? ओके, यहाँ पर एक रेंजर है। ओ हे रोकी, आर यू लुकिंग फॉर समथिंग टू डू? ऑब्टेन 3 साइन पोर्ट्स। ओके, साइन पोर्ट्स मिले मुझे यहाँ पर। कैन यू पुट अप 3 दीज साइन पोर्ट्स इन माउंट ओर गीगा? ओके, माउंट ओर में जाना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। और गाइस, मुझे याद है लास्ट टाइम में जब मैंने गेम खेला था, ये मतलब पिछली वीडियो में, वहाँ पर मुझे कुछ साइन पोस्ट दिखे थे जो कि मतलब टूटे हुए थे वहाँ से, तो शायद मुझे वहाँ पर लगाने होंगे ये। पीपल कीप गेटिंग लॉस्ट एंड हैविंग टू कॉल फॉर हेल्प, आई विल सेव अस, इट विल सेव अस टाइम एंड हेल्प ट्रेवलर्स फाइंड देयर वे, थैंक्स। ओके, तो मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा और मुझे इन साइन पोस्ट को वहाँ पर लगाना है, जिससे कि यहाँ पर ट्रेवलर्स जो है वो अपना रास्ता ना भटकें। ये क्या है? और ये बैड है मतलब यहाँ पर कम्फी, एक सेकेंड क्या हुआ यहाँ पर? मेरे पोकेमोन से यहाँ पर हेल नहीं हुए, बस कम्फर्टेबल बता रहा है। ओके, यहाँ पर मैं अपने पोकेमोन से हेल नहीं कर सकता क्या? शायद मैं अभी नहीं कर पाऊँगा यहाँ पर हेल, जब तक मैं यहाँ पर मतलब टास्क पूरा नहीं करता। ये जेस्पर क्या कर रहा है यहाँ पर?
हेलो गीगा, हैव यू स्पोकन विद रेबेका येट? आई बिलीव सी हैज़ अ टास्क फॉर यू। ओके, उसने मुझे टास्क तो दिया है। वैसे यहाँ पर एक और बेड है, ये जरूर जेस्पर का होगा। वैसे मेरे भी यहाँ पर बेड होना चाहिए बेसिकली, यहाँ पर मैं एक रेंजर हूँ भी। ओके, यहाँ पर एक और रेंजर है। हाई गीगा, हाउ इज़ गोइंग, हाउ इज़ थिंग्स, होप यू आर स्टिल सेटलिंग इन। ओके सेटल, एक सेकंड, मुझे यहीं पर होना है बेसिकली। मैं एक बार चेक करता हूँ दोबारा, अगर मेरे पुकमों से यहाँ पर हील हो पाए तो सही रहेगा। ओके एक सेकंड, नहीं हो रहे यहाँ पर मेरे पुकमों से हील। अरे यार चलो निकलते हैं अब यहाँ से, और मैं बाद में, मतलब मुझे अभी यहाँ पर अपना टास्क पूरा करना है बेसिकली। ओके यहाँ पर एक रेंज, मतलब यहाँ पर एक ट्रेनर भी है, और मैं यहाँ से आगे नहीं जा पाऊँगा शायद से। ओके बैटल करना पड़ेगा यार मुझे। व्हाट आर यू स्टारिंग एट? हैव नॉट यू सीन अ गर्ल हु लाइक्स बग पोकेमोन बिफोर? ओके ये बग पोकेमोन पकड़ दिया ये। चलो यहाँ पर बैटल करते हैं इससे, और बैकग्राउंड भी तो काफ़ी अच्छा है। ओके यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा पिक अटैक, देखते हैं उसे डैमेज। ओके डैमेज तो काफ़ी अच्छे पड़ने वाला है उसे बेसिकली। क्यूटी फ्लाई जो है वो एक बग टाइप पोकेमोन है। अट्रैक्ट, अरे यार उसने अट्रैक्ट कर लिया मेरे पोकेमोन को। अटैक कर दिया बस एक बार, सही रहेगा। अटैक कर दिया यार। ओके उसे नहीं किया अटैक, क्या कर रहा है यार इसे? मैंने इसे इतना अच्छी तरह से खाना पीला खिलाया और ये मुझे ऐसा कर रहा है। ओके चलो काफ़ी बढ़िया, उसने यहाँ पर फेंट कर दिया उसे। ओके मैंने उसके एचपी को बढ़ा दिया यार, और ये मुझे इसका अटैक बढ़ाना था। फ्यूरी अटैक मैं नहीं सिखाने वाला, फ्यूरी अटैक इतना अच्छा अटैक नहीं है। सो यहाँ पर फाइनली मैंने एक और ट्रेन को हरा दिया यहाँ पर। ये आई एम एवलर्स वन एंड ओनली फीमेल बग एंड एंथोसिस्ट, आई इट्स नॉट दैट कूल। ओके मोस्ट गर्ल्स आर स्केर्ड ऑफ बग टाइप, बट नॉट मी। दैट्स वाई आई एम सो यूनिक, आई एम गोइंग टू बी फेमस फॉर इट। ओके फेमस होने वाली है से। ओके उस तरफ क्या है वैसे? वहाँ पर तो मैं जा नहीं सकता बेसिकली। और यहाँ पर ये क्या है? शायद ये मे बी वन ऑफ माई पोकेमॉन कैन हेल्प ब्लो द स्पोर अवे। स्पोर्स हैं यहाँ पर। ओके टैकल ग्रोथ, मैं अटैक कौन सा करूँ वैसे यहाँ पर? पॉइजन स्टिंग और मे बी नोट, बट कोई बात नहीं, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं अभी। ओके यहाँ से मैं नीचे, ओके यार मैं इसे बैटल नहीं कहता रहा यार, अब करना पड़ेगा बैटल। चलो ठीक है, इसके बाद एक ही पोकेमॉन अच्छा हुआ, और इसके पास है बैले। ओके इसके नाम इसे रखा हुआ है वेल स्प्राउट का, बैले। ओके मुझे जल्द से जल्द वहाँ पर सिटी में पहुँचना पड़ेगा, और वहाँ पर मैं अपने पोकेमॉन खेल करूँगा पहले तो। और यहाँ पर ये पैरालाइज हुआ पड़ा है यार। ओके लिटरली 4 HP। ओके भजिया मैं फाइनली। चलो यहाँ पर बैटल कम्प्लीट हुआ ये भी, और मैं पूरी कोशिश करूँ यहाँ पर मैं बैटल्स को मतलब स्किप करने की। आई वॉन्टेड टू राइज बैले फॉर बोथ बैटल्स एंड कॉन्टेस्ट, आई गेस आई एम गुड एट नीदर। मे बी अनदर ग्रास पोकेमॉन माइट बी इजियर टू राइज, विल यू ट्रेड विद मी? ओ नहीं मुझे ट्रेड नहीं करना है यहाँ पर, मेरे स्कीडो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वैसे। और मैंने वो मतलब मुझे वहाँ पर वो रेंजर्स ने दिया है, सो मैं उसे, अरे यार एक और बैटल। ओके इसके पास 2 ही पोकेमॉन्स हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं, मुझे लगता है मैं हारने वाला हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके मेरा पोकेमॉन तो गया। ओके लिटरली यहाँ पर मैं लगता है हार जाऊँगा, मेरा मतलब मैं अपनी ड्यूटी पर हूँ इस वक्त, और ये लोग मुझे यहाँ पर बैटल्स के लिए चैलेंज कर रहे हैं। यार कोई रूल होना चाहिए वैसे यहाँ पर, एक रेंजर को कैसे चैलेंज कर सकते हैं ये लोग? बट अगर ये मुझे चैलेंज नहीं करेंगे तो यहाँ पर मेरे पोकेमॉन स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगे, और मैं यहाँ पर अपने पोकेमॉन्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ। और भी ओके पॉइजन स्टिंग करे जा रहा है यार। ओके मोटल मेटल वो बेरीज ने कुछ यूज़ किया यहाँ पर। ओके पैरस, एक सेकंड यहाँ पर मैं अटैक क्यों कर रहा हूँ? मुझे यहाँ पर ग्रोथ करना चाहिए वैसे, इससे मेरा अटैक और स्पेशल अटैक दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उससे पहले लगता है वही मुझे फेंट कर देगा यहाँ पर। अब की बार मैं अटैक अटैक करने वाला हूँ। ओके धीरे धीरे अटैक, उसकी एचपी जा रही है वैसे, बट हम गए यहाँ पर, मुझे लग ही रहा था वैसे हम यहाँ पर हारने वाले हैं। ओके मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही आ गया, चलो काफ़ी बढ़िया, मेरा यहाँ पर काम पूरा हो गया। और भी मैं यहाँ पर चलने वाला हूँ उस माउंट ओर के पास, मतलब माउंट ओर में जा रहा है मैं, यहाँ पर अपना टास्क पूरा करना है बेसिकली यहाँ पर। वैसे यहाँ पर कुछ पिंडफ थे लास्ट टाइम, मुझे उन्हें कैप्चर करना है यार। ओके देखता हूँ यहाँ पर कोई पिंडफ है क्या। वैसे आराम से चलने वाला हूँ मैं काफ़ी, बिकॉज ये उड़ जाते हैं पिंडफ एकदम से, और जब इनके पास जाता है धीरे धीरे चलना है। ओके चलो मैंने यहाँ पर एक को तो यहाँ पर कैप्चर कर ही दूंगा आपकी बार में, बस ये कैप्चर हो जाए, अगर ये मतलब भाग गए दिक्कत हो जाएगी मुझे काफ़ी। साई वेव करना है मुझे यहाँ पर। ओके एचपी तो काफ़ी गई है वैसे उसकी, अब बस फेंट ना हो ये। ओके काफ़ी गई, मतलब उसकी एचपी काफ़ी ज़्यादा कम है, तो यहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ पोकी बॉल्स का। मेरी पोकी बॉल्स यहीं पर थी वैसे। ओके यार हाइव बॉल है तो बग टाइप पोकेमॉन्स के लिए है, इसका यूज़ करते हैं यहाँ पर बेसिक बॉल का। यहाँ पर पोकी बॉल्स नहीं होती, बेसिक बॉल होती हैं। ओके फाइनली वो कैप्चर हो गया, चलो काफ़ी बढ़िया, मतलब एक ही बार में कैप्चर हो गया वो तो। ओके लेवल अप भी हो गया यहाँ पर स्पॉइन का, और यहाँ पर मैं इसका स्पेशल अटैक बढ़ा देता हूँ थोड़ा। ओके ऑर्डर सेट, यार कितना बकवास मूव सीखा इसने। दिस वेरी फॉरगेटफुल पोकेमॉन विल वेट फॉर अ न्यू ऑर्डर फ्रॉम इट्स ट्रेनर, इवन थ्रो इट ऑलरेडी हैज़ वन। फ्लोक्स ऑफ्टन गैदर इट पार्ट्स एंड प्लाजेज। ओके नो मुझे कोई निकनेम नहीं देना मुझे उसे कोई।
ओके मैं भाग रहा हूँ, ये उड़ नहीं रहे यहाँ पर, चलो काफ़ी बढ़िया। और यहाँ पर मैं उसे हेल तो करा के आता हूँ पहले तो। ओके गाइस मैंने यहाँ पर अपने पिंडो को हेल करा लिया, और वैसे आज मेरी टीम में दो नए पोकेमोन्स आए हैं तो उनकी ट्रेनिंग मुझे अगले एपिसोड तक करानी पड़ेगी। वैसे वैसे यहाँ पर रिपेल्स की कोई जरूरत नहीं पड़ती, बेसिकली यहाँ पर पोकेमोन्स बाहर घूमते रहते हैं तो यहाँ पर हम बच जाते हैं उन पोकेमोन्स के। ओके यहाँ पर मुझे वो साइन बोर्ड लगाना है मुझे यहाँ पर, साइन बोर्ड। ओके ये रहा साइन बोर्ड, कहाँ गया वो अभी दिखा था मुझे। ओके ये रहा, यहाँ पर हम इसे लगा देते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर कोई घूमेगा नहीं यहाँ पर। ओके माउंट ओर और फुट ऑफ माउंट ओर। ओके सो यहाँ से हमें ऊपर चलना है अभी, और यहाँ पर मैंने देखी ये जगह यहाँ पर, मतलब साइन बोर्ड यहाँ पर लगाने हैं हमें। और इन ट्रेनर शायद मैंने बैटल कर लिया था लास्ट टाइम। ओके एक तो मैं दिख गई जगह, ये रहा यहाँ पर एक साइन पोस्ट लगाना है हमें, और एक यहाँ पर स्टार्टिंग में ये इस केव के जो कि मुझे लगाना पड़ेगा शायद इधर से ही जाना है पड़े। ओके मैं दूसरी साइड आ गया यहाँ पर, तो अभी मुझे चलना है इस तरफ। ओके यहाँ तो कुछ है ही नहीं, अरे यार लगता है मुझे ऊपर से जाना पड़ेगा। यहाँ से नीचे चल के हम यहाँ पर चलेंगे ऊपर, और शायद मैंने ट्रेन से बैटल कर लिया तो इसलिए मुझे बैटल नहीं कर रहा अभी, वरना ये छोड़ता ना मुझे अभी तो। अरे यार मैं इधर आके शायद से मुझे, अरे यार ये बैटल कर रहा है अभी, इससे मैंने बैटल नहीं करता लास्ट एपिसोड में। एक पोकेमोन इसके पास, चलो काफ़ी बढ़िया। स्प्लैश क्यों कर रहा हूँ यार मैं, स्प्लैश तो बड़ा बेकार मूव है, कुछ होता नहीं उससे। स्कीडो मेरा यहाँ पर काम नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पर उसके, मतलब उसे कोई ग्रास टाइप मूव ही नहीं आता अभी तो, बस ग्रोथ अटैक आता है वो भी कुछ काम का नहीं है। वैसे ग्रास टाइप तो नहीं है वो, ग्रोथ नाम से लगता है वैसे ग्रास टाइप है वो, बट वो ग्रास टाइप मूव नहीं है। ओके लिटिल इसकी एचपी कितनी कम है, बस ये फेंट कर दे इसे। ओके फाइनली सरा दिया इसने, और मैं आपके पास पोशंस भी लेके आया हूँ साथ में अपने, जिससे कि मेरे पोकेमोन्स हेल होते रहे साथ साथ, वरना फेंट हो जाते हैं यहाँ पर पोकेमोन्स। ओके यहाँ पर पोशन यूज़ कर ही देता हूँ मैं अभी। ओके वो रहे पोशंस। ओके अब चलते हैं यहाँ से आगे, और यहाँ पर मुझे साइन बोर्ड ढूंढना है वो, मतलब साइन पोस्ट जहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा उसे। ओके ये बैटल, अरे यार मैं इससे बैटल नहीं कहता यार, कितने बैटल छोड़े हुए मैंने, लगता है सारे बैटल्स मैंने छोड़ रखे हैं यहाँ पर, अब इन सभी से बैटल करना पड़ रहा है मुझे यहाँ पर। रोक रूफ, ओके और रोक रूफ के लिए तो यहाँ पर मैं साइवे भी करने वाला हूँ, और तो कोई मूव है नहीं हमारे पास। ओके रोगन रोला, ओके हार्डन कर रहा है वो, वैसे फ़ायदा नहीं है उसका कुछ, मैं स्पेशल अटैक कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके लेवल अप होने वाला है इसका थोड़ा सा रहता है, और अगले एपिसोड तक मुझे अपने दोनों पक्षों से ट्रेनिंग भी करानी पड़ेगी, मतलब सबकी करा दूंगा मैं ट्रेनिंग। वैसे तो मैं सभी को लेवल 15 तक का तो कर ही दूंगा अगर मैं कर पाया तो। वैसे यहाँ पर पोकेमोन ट्रेनिंग थोड़ी मुश्किल है अभी तो। ओके मैंने इसकी एचपी दोबारा की बढ़ाई, चलो ठीक है एचपी बढ़ा दी आपकी, मैंने सही किया वरना ये कमज़ोर रहते हैं एचपी से। कीप ट्रैक ऑफ वेयर यू बीन, माउंट ओर इज़ नॉट ईजी टू नेविगेट। मैं यहाँ पर नेविगेट करने के लिए कुछ सिस्टम बना रहा हूँ भाई। वेल मुझे यहाँ से, इससे तो मैंने बैटल किया था शायद लास्ट एपिसोड में, अब इससे दोबारा करना पड़ रहा है बैटल। ओके चार पोकेमोन इसके पास, मैं पहले से बैटल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे उसे। आई गेस आई शुड हेड बैक टू द कैफे एंड कंसोल माई सेल्फ विद केक। ओके यहाँ पर है वो जगह जहाँ पर मुझे साइन पोस्ट लगाना है लास्ट वाला, ये कि बचा वैसे मेरे पास अब तो, ये रहा। चलो यहाँ पर मेरा टास्क पूरा हो जाएगा अब, और मुझे यहाँ पर अपने पोकेमोन्स हिल भी कराना है। वैसे मैं ये से हिल करा दूँगा अपने पोकेमोन्स को, यहाँ पर एक जगह है मतलब जहाँ पर हम हिल करा सकते हैं अपने पोकेमोन्स को। वैसे वो पोकेमोन सेंटर है या फिर पता नहीं क्या है, हमें कहते क्या है वैसे इस गेम में, पोकेमोन सेंटर तो नहीं है वैसे ये, बट हम यहाँ पर हील करा सकते हैं अपने पोकेमोन्स को। ओके मैं वापस क्यों जा रहा हूँ यार, मुझे हील कराना है पोकेमोन। यहाँ पर हम सो सकते हैं और अपने पोकेमोन हील करा सकते हैं, वैसे ये काफ़ी सही सिस्टम है यहाँ का। ओके अब यहाँ से हम निकलते हैं वैसे सिटी से, मैंने अपने शॉपिंग तो वैसे की हुई है तो अभी ज़रूरत नहीं है शॉपिंग की, चलते हैं यहाँ से वापस, और मुझे सिटी में जाना है तो मैं आप सभी को वहीं पर मिलता हूँ। ओके गाइस तो यहाँ पर मैं वापस आ जाऊँगा अभी, चलते हैं यहाँ से अंदर, और मैं अपना टास्क बताने वाला हूँ वहाँ पर, जिसने मुझे टास्क दिया था वो मैं उसे यहाँ पर बताऊंगा। मैंने टास्क कंप्लीट कर लिया, शायद मुझे यहाँ पर मेरी पेमेंट मिलने वाली है। वैसे ये काफ़ी सही है, यहाँ पर काम करो पेमेंट ले जाओ। ओके यहाँ पर है वो, हाउ इज़ इट गोइंग गीगा, यू फिनिश्ड विद द साइन पोस्ट, दैट्स अ बिग हेल्प। ओके सो यहाँ पर मैंने हेल्प की इसकी, तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर पेमेंट मिल चुकी है मेरी। ओके एक सेकंड में उसकी बेड पर घुस हो गया यहाँ पर, ये तो सही नहीं हुआ, यहाँ पर जाना है मुझे, ये है मेरा बेड, वैसे मेरा ही है फिर किसी और का है वैसे पता भी नहीं यहाँ पर, तो वैसे मेरे पक्ों से यहाँ पर हेल्प हो सकते हैं अब, ये काफ़ी सही बात है, शायद इसका होगा वो, तो कोई बात नहीं, ये कुछ नहीं कह रहा। ओके यहाँ पर जेस्पर है, देखते हैं अभी ये क्या कहने वाला है। हेलो गीगा, आईड लाइक टू रिक्वेस्ट योर असिस्टेंस। ओके कोऑर्डिनेटर हैज़ इन्फॉर्म्ड अस दैट सी हैज़ लॉस्ट हर प्राइज्ड पोकेमोन, सी हैज़ सो इट इन द वुड्स, द कोऑर्डिनेटर्स नेम इज मेजिया। ओके मैसी होगा उसका नाम शायद से, द लॉस्ट पोकेमोन इज अ स्पिट्जी। ओके स्पिट्जी है उसका नाम, आई वुड हैव यू लोकेट एंड रिटर्न द स्पिट्जी हेयर ओर टू इट्स ओनर। ओके सो उसके ओनर के पास मुझे वापस लौटाना पड़ेगा वो स्पिट्जी। वैसे मुझे पता तो ओनर कहाँ पर रहता है उसका वो, बट मैं उसे यहाँ पर लेकर आ सकता हूँ, यहाँ पर से यहाँ से वो उसे पहुँचा देंगे उसकी जगह पर, पता नहीं कहाँ मिलने वाला है मैं वो पूरी जगह पर। वैसे इस तरफ है क्या वो,
इस तरह बाद में देख लेंगे अभी हम। ओके एक ये तो है स्पीड जी साइड, हाँ इसी को कहते हैं साइड स्पीड जी। ओके दिस स्पीड जी इज़ वेयरिंग अ कॉलर द नेम टैग मिड जी। ओके इट इट मस्ट बिलोंग टू मिसाई और मिस माइसी, क्या यार इतना अजीब नाम क्यों है इसका, चेज या बैटल, बैटल करते हैं इससे। और अगर मैं इससे बैटल करूँगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है वैसे, अगर मैं इसे यहाँ पर फेंट कर दूँ तो। चलो फिर मैं यहाँ पर इसे फेंट करने की कोशिश करता हूँ। यार मैं स्प्लैश क्यों कर देता हूँ बार बार, स्प्लैश नहीं करना मुझे। ओके ड्रेन किस कर रहा है वो, 10 लेवल का है वैसे तो वो। मैं यहाँ पर अपने नीडोरन का यूज़ करने वाला हूँ, मैं नीडोरन का लेवल है 12। ओके यहाँ पर मैं पिक अटैक तो नहीं करने वाला अभी। ओके उसे कुछ डैमेज ही नहीं पड़ रहा यार, वो लगता है फ्लाइंग टाइप भी है। अगर वो फ्लाइंग टाइप है तो यहाँ पर मैं उसे पिक अटैक कर सकता हूँ वैसे। पहले लियर करता हूँ, उसका डिफेंस कमज़ोर करते हैं थोड़ा सा। ड्रेन किस और स्वीट किस किया उसने अबकी बार, कंफ्यूज कर दिया उसने थोड़ा सा यहाँ पर। चार और वो मेरा अटैक कमज़ोर कर रहा है, वाह। पॉइजन करता हूँ पहले उसे मैं। ओके हो गया उसे पॉइजन, काफ़ी बढ़िया। अब उसकी थोड़ी थोड़ी जाती रहेगी यहाँ पर। ओके हर्ट हो रहा है तो काफ़ी यार। ओके यार जैसे उसने अट्रैक्ट कर लिया उसे। ओके अट्रैक्ट मत होना बस, अरे यार वो हुआ पड़ा रहा है अट्रैक्ट, कोई बात नहीं। वैसे मेरे पास एक फ्लाइंग टाइप पोकेमोन तो है वैसे, मैं उसका यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर अपने। इसका लेवल वैसे काफ़ी कम है अब, ये भी कंफ्यूज हो चुका है। अरे यार नहीं तो कम, सबको कंफ्यूज कर रहा है। मैं यहाँ पर गश्त करता हूँ एक बार। ओके गश्त तो लगाया उसे बट वो यहाँ पर डैमेज काफ़ी कम पड़ रहा है उसे। ओके कंफ्यूजन तो हट चुका है इसका वैसे। ओके पॉइजन से अब जाने वाला है बस। ओके अबकी बार तो गया काफ़ी, चलो काफ़ी बढ़िया। हमने फेंट कर दिया उसे यहाँ पर, हमने स्पोइंग का लेवल अप भी हो रहा है। वेल मैं यहाँ पर इसका स्पेशल अटैक बढ़ा देता हूँ थोड़ा दोबारा से। ओके न्यूट्रन का लेवल अप हो चुका है यहाँ पर, मैं इसका डिफेंस बढ़ाऊँगा अबकी बार। ओके पिंडअप का लेवल अप भी हो गया, चलो काफ़ी बढ़िया। इसका अटैक या फिर स्पेशल अटैक बढ़ाते हैं। ओके एक और लेवल अप, उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा था इसलिए यहाँ पर लेवल अप थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। ओके भाई इसका लेवल अप तो होता ही जा रहा है यहाँ पर, फिर से हो गया। एक और बार होगा क्या, लियर अटैक सीख लिया इसने, चलो काफ़ी बढ़िया। मैंने उसे फेंट तो कर दिया बट यहाँ पर एक सेकेंड यार, वो मेरे पास है या नहीं, मेरे पास तो नहीं है वैसे वो। यार मैंने यहाँ पर कुछ गलत तो नहीं कर दिया उसे फेंट करके। ओके मेरे पास तो वैसे यहाँ पर भी नहीं है वो। चलो यहाँ पर अपने सर से आके बात करते हैं एक बार, हमारे जो लीडर है। अगर मैंने उसे फेंट कर दिया यहाँ पर और वो मिला ना तो दोबारा मेरी यहाँ पर नौकरी जाएगी लगता है। ओके चेक करते हैं एक बार हम जाकर। गीगा हैव यू एनी न्यूज़ ऑन द कोऑर्डिनेटर्स मेसीज लास्ट पोकेमोन, लॉस्ट पोकेमोन, यू कोस्ट इट टू फेंट इन बैटल, हाउ इनअप्रोप्रिएट। ओके मैंने यार गलती कर दी काफ़ी, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू डैट यू हैव फेल्ड दिस टास्क गीगा। ओके मैंने फेल कर दिया इस टास्क में, मतलब फेल हो चुका हूँ। यू डिड नॉट डू वट वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ यू, सो यू विल नॉट बी पेड। ओके मैं पेड नहीं, यहाँ पर मुझे कोई भी पैसे नहीं मिलने वाले। दिस वुड एनकरेज यू टू पे मोर अटेंशन नेक्स्ट टाइम, आई हैव अनदर रेंजर रिटर्न द पोकेमोन टू इट्स ओनर, चेक इन द चेक विद द अदर रेंजर्स ऑफन, दे मे रिक्वायर हेल्प। ओके वहाँ पर मैं और रेंजर से बात करूँ वैसे। सो गाइस मुझे लगता है मुझे अच्छी वीडियो यहीं तक रखना चाहिए, इससे आगे हम कंटिन्यू करने वाले अगले वीडियो में। और अगर आपसे अच्छी वीडियो अच्छी वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोज़ मिस ना कर पाएँ। और मैं आपसे मिलता हूँ पोकेमोन के अगले वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।